नवी मुंबई महानगर पालिका की महासभा में शहर के गैरकानूनी निर्माण पर चर्चा की मंजूरी शुरुआत में नहीं दी गई तो विरोधी पक्ष नेता विजय चौगुले ने अपनी मांग सभा के सामने रखी तो मेयर सुधाकर सोनावने ने गैरकानूनी निर्माण के विषय को लक्ष्यवेधि मंजूर की। इस मौके पर चौगुले ने सिडको, एमआईडीसी और पालिका, इन तीनों में से कौन गैरकानूनी निर्माण हटाए ये निश्चित करने की मांग की। इसके लिए सभी पक्ष को खड़े रहने का आह्वान किया। तो वही इस विषय पर मुख्यमंत्री से मुलाकात लेके बात कर इस विषय पर महापालिका की भूमिका क्या है इसे स्पष्ट करने की मांग की। माझं म्हणणं एवढं होतं की आपण आपलं धोरण स्पष्ट करावं। माझं म्हणणं आहे की कारवाई बाबतीत आपलं धोरण काय राहणार। ऐकतोय सर, माझं म्हणणं हेच आहे की कोर्टचे ऑर्डर आलेले आहेत, कोर्टच्या ऑर्डर्स आलेले आहेत। तुम्हाला 24 जुलैला ती तारीख आहे, 24 जुलैला तारीख आहे। तुम्ही 24 जुलैच्या अगोदर तुम्ही त्याच्यावर स्पष्टीकरण करणं हे पण इस पर जवाब देते हुए आयुक्त ने पालिका की भूमिका बताते हुए कहा कि नवी मुंबई मनपा क्षेत्र की एमआईडीसी के साथ इस क्षेत्र में काम करने वाली सिडको और नवी मुंबई पालिका प्लानिंग अथॉरिटी है। विभिन्न जनहित याचिका पर जुलाई में निर्णय दिया जाएगा। कोर्ट में 14 जुलाई को हुई सुनवाई में नगर विकास विभाग खुद को स्पष्ट करे ऐसा बोला गया है। स्वतंत्रपणे पूर्ण कंबाईन हिअरिंग याच्यासमोर सुरू आहे। या पी आर मध्ये सन्माननीय न्यायालयासमोर महानगरपालिकेने त्यांची भूमिका अनेक वेळा स्पष्ट केलेली आहे ॲफिडेव्हिट मार्फत किंवा आपले जे वकील आहेत त्यांच्या मार्फत। आणि महापालिकेने वारंवार असंच म्हटलं आहे की सिडकोची जागा आहे किंवा MIDCची जागा आहे किंवा कलेक्टर लँड आहे, ज्या ज्या प्राधिकरणाची जागा आहे त्याच्यामधली अतिक्रमण त्या त्या प्राधिकरणाने ते काढायला पाहिजे। ही भूमिका वारंवार न्यायालयासमोर स्पष्ट केलेली आहे। तो दुसरी तरफ इस पर मेयर ने गैरकानूनी निर्माण के विषय में एक विशेष सभा बुलवाने की बात कहकर इस पर पर्दा डाला। अतिक्रमण विषयावर एक स्वतंत्र अशी बैठक पूर्ण दिवसाची या ठिकाणी हो घेणार। वीडियो जर्नलिस्ट सूरज भगत के साथ शेखर हमप्रस की रिपोर्ट।